गरीब परिवार के सहयोग के लिए आगे आए समाजसेवी अरुण उपाध्याय खजुराहो के विद्याधर तिराहे में स्थित यात्री प्रतीक्षालय में अपना आशियाना बनाए। बहुत ही निर्धन परिवार जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। लंबी बीमारी के कारण परिवार के मुखिया राजू अनुराग जी की मृत्यु होने के पश्चात इनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसी स्थितियों में इन्हें सहयोग की आवश्यकता थी, जिसकी भरपाई प्रसिद्ध समाजसेवी अरुण उपाध्याय के द्वारा की गई। इनके द्वारा न सिर्फ इस परिवार के घर पहुंचकर राशन सामग्री प्रदान की गई, बल्कि बच्चे के पढ़ाई लिखाई इत्यादि खर्चे के लिए भी स्पष्ट किया। वहीं आपने कहा कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा भी इस परिवार को सहयोग दिलवाया जाएगा। साथ ही आपने कहा कि नगर परिषद के द्वारा जो यह घर प्रतीक्षा में जो यह बनाए हुए अपना उसे खाली करवाया जाना सुना है। उन्होंने कहा है कि उनके इस आश्रय को न हटाएं, इसके लिए भी बात करने को कहा, क्योंकि इन बच्चों के सर से पिता का आश्रय तो उठ चुका है। अब कम से कम रहने के लिए छत का असर तो नगर परिषद बनाए रखे। इस गरीब परिवार की सहयोग में आए समाजसेवी उपाध्याय निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं। क्या सहायता प्रदान की गई आपके आज द्वारा? हम लोगों ने हमारी युवा टीम में राजीव वाजपेयी जी, हमारे बड़े भाई है, सत्यन दुबे जी राजनगर के, सन्नी ओमरे जी, अवस्थी जी, प्रिंस मिश्रा जी, हम सब ने तय किया था। अभी दो दिन पहले मुझे पता चला जब भोपाल में था कि यहाँ एक घटना हुई है, बच्ची बड़ी परेशान है। तो हम लोगों ने आज रात में ही बातचीत करके यहाँ गेहूँ चावल कुछ सूखे राशन देने की व्यवस्था की है, और बच्ची को पढ़ाने के लिए भी हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, सत्यन भाई भी, राजीव भाई भी हमारे, कि बच्ची को पढ़ाने के लिए कहीं व्यवस्था की जाएगी, और बच्ची को आगे भी जो दिक्कत आएगी या जो परेशानी आएगी किसी भी तरह की, उन सबके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। हमारी एक ही जवाबदारी है, यहाँ के नगर पंचायत से भी एक आग्रह है विशेष तौर पे, कि बरसात का समय चल रहा है, अभी हमें सुनने आया है कि वो खाली करा रहे हैं आश्रय जो इनका है, इनकी छत से आश्रय नगर पंचायत ना खाली कराए। हमारे सांसद जी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी गंभीर है इस विषय को लेकर, उन्होंने भी प्रशासनिक तौर पर निर्देशित किया है। माननीय विधायक जी से भी विशेष तौर पर आग्रह है कि इसकी चिंता करते हुए परिवार की, अभी बरसात के सीजन में इससे आश्रय न छीना जाए। नगर पंचायत के अधिकारियों को आप भी निर्देशित करें। माननीय सांसद जी से भी बातचीत की जाएगी इस विषय में, वो निश्चित तौर पर बात करेंगे। बिटिया का आश्रय न छीने, पिता का सर से साया निकल चुका है, इसलिए हम सभी इसका परिवार है, हम सबको जो जिम्मेदारी मिलती है, जो जवाबदारी लगती है, स्वयं से ही इसकी मदद करनी चाहिए। हम और हमारी टीम मदद के लिए हमेशा तत्पर है।